इधर माता जी और उधर अपना भोला बाबा, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं यार। जैसे मतलब इनमें कितना कितना कोई अटूट प्रेम हो, इसी तरह यार इनसे मैं यहाँ पे एक आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे संसार के लोग बस इसी तरह मिलजुल के प्यार जुल से रहें सब यार, भाईचारे से रहे अपने इंडिया में, ना किसी कोई किसी को परेशान करे ना कुछ। और बाकी वो अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं, बट पता नहीं वो क्यों नहीं जा रहे थे। तुम दोनों पांच, अरे तो गाइस अपन ने यहाँ पे एक माता जी की पन्नी खरीद लिया, तुम दोनों भाई पांच पांच लोग डिवाइड कर लेना आपस में। अपने भाई लोग मिल गए जम्मू, यहाँ से कहाँ से हो भाई? ये कटरा से ही स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते, तो ये सामने वैष्णो माता का एंट्री गेट, मतलब ये मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है उसका एंट्री गेट है ये, इसमें से एंटर होके अपने को जाना पड़ेगा गाइस। और तो निकल चुके हैं हम अपनी ट्रेकिंग रास्ते की तरफ और शुरुआत कर चुके हैं अपन ट्रेकिंग की। बाकी यहाँ से अभी इसके अंदर से होके आगे जाके आपको दिखाते हैं कि यार रास्ता कैसा है, या हार्ड है या सरल है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो अभी जस्ट यहाँ पे इन अंकल ने अपना जो कोविड टेस्ट किया हुआ था उसको चेक किया और फिर हमें जाने दे रहे हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे भाई वहाँ पे गुलशन स्टूडियो है, वहाँ पे यार मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप देखो एक बार यहाँ पे सारे भगवान की अच्छी अच्छी फोटो बनाई हुई है, मूर्तियाँ बनाई हुई है। तो गाइस अभी मतलब चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट और अपने पीछे है ट्रेकिंग। तो भाई कैसा फील हो रहा है? शुरुआत से यही उसकी चढ़ाई है यार। क्या शुरुआत से है ना? नहीं यार मतलब ज़्यादा वैसे स्टीप चढ़ाई है यार, बहुत ज़्यादा स्टीप से। केदारनाथ वाली शुरू में इतनी स्टीप नहीं है, लेकिन केदारनाथ वाली जो चढ़ाई वो आगे जाके स्टीप हो जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ इस तरह की स्टीप चढ़ाई गाइस, आपको अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अपने को अपना दोस्त मिल चुका है। हेलो, हाउ आर यू? ये बोल रहा है भाई मैं तेरा दोस्त नहीं बनूंगा, तू गंदा है, आप बनोगे मेरे दोस्त? हाँ तो गाइस ये दोनों मेरे दोस्त बनेंगे इन्होंने, ये देखो आ कर दी इसने। बाकी यार वो चला गया, थोड़ी रनिंग करते हैं यहाँ पे। इस एंगल पे आके रनिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं। अब जाके थोड़ा रियलाइज हुआ यार कि हाँ अपन चढ़ाई पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, कम से कम हम 1 किलोमीटर आ चुके होंगे अभी तक नीचे से। तो गाइस आपको एक बात बताऊं, तो मिंटोस वाली चॉकलेट आती है ना, इसकी हर चॉकलेट पे यार देखिए आप देख पा रहे हो स्माइली बना हुआ होता है, कितना प्यारा लग रहा है ना यार ये। यहाँ पे बात घाट टाइप का कुछ बना हुआ है इसमें, ये इधर छोटों का है और उस साइड में इस साइड वाला छोटों का, उस साइड वाला बड़ों का है। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, और उधर गाइस बड़े लोग नहा रहे हैं आप देख पा रहे हो। और इसके अलावा गाइस इधर भी कुछ टॉयलेट वगैरह जेंट्स वगैरह लेडीज़ वगैरह के लिए मतलब फैसिलिटी यहाँ पर पूरी है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार ढंग से। यहाँ पे नहाने वाले लोग गाइस यहाँ भी नहा रहे हैं और उधर बात घाट में नहाने वाले लोग बात घाट में नहा रहे हैं। ये वाला व्यू यार कितना अच्छा बना, नीचे से आप पत्थर देख रहे हो, नीचे वाले कितने प्यारे लग रहे हैं यार, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो अपना नहा रहे हैं, इधर भी इस साइड भी गाइस काफ़ी सारे लोग हैं वो भी अपना नहा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट लेडीज़ और जेंट्स के लिए मतलब सारी सुविधा है आपको रास्ते में, यात्रा के दौरान आपको सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, खाना
खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट भी वगैरह वगैरह भी बने हुए हैं बाहर, तो आप वहाँ से खाना वगैरह भी गाइज आराम से खा सकते हो। तो गाइज एक लोचा हो गया, लोचा क्या हुआ, यहाँ से एक शॉर्टकट है, मतलब एक रास्ता, ये वाला रास्ता ऐसे जाता है और यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता है। सीढ़ियों की संख्या है 526, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन जल्दी पहुँचे और सीढ़ियों का प्रयोग करें। तो अपन ने चूज किया है सीढ़ियों वाला रास्ता, चलते हैं और देखते हैं। लेकिन यार दो सीढ़ियाँ चढ़ी है अभी तो, और हालत तो अभी से टाइट हो रही है, तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो गाइज यार अभी की बार काफ़ी दिनों से यार कहीं कोई ट्रैकिंग नहीं की ना, तो भाई पता चल रहा है कि वास्तव में ट्रैकिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब थोड़ा मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा सा यार थोड़ी सी थकान भी फील हो रही है। दो किलोमीटर चल लिए, अभी यहाँ पे पियेंगे नींबूज। तो नींबूज से क्या होता है, नींबूज में लेमन आता है, लेमन से क्या होता है एनर्जी आती है शरीर में, एनर्जी बूस्ट होती है थोड़ी। तो नींबूज पी के फिर यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ नींबू करेंगे भाई। वैसे लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, दो किलोमीटर हुआ होगा अभी ना। मैंने केदारनाथ ट्रैक किया है, उत्तराखंड में चमोली ट्रैक किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टीप तो नहीं। हाँ कुफरी जो है शिमला में कुफरी है, कुफरी वाला भी स्टीप है, कुफरी वाला तो गाइस बहुत ज़्यादा स्टीप है। बट ये भी सेकंड नंबर पे दे रहा हूँ मैं तो इसको, बाकी मेरे देखो दुनिया में ट्रैकिंग तो यही से ही है क्या, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रैकिंग्स हैं। लेकिन अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ यार, इंडिया में मैं जहाँ तक गया हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, ये वाला बहुत स्टीप है यार, बहुत ज़्यादा स्टीप है। यहाँ से वो पीछे का व्यू देख पा रहे हो, आई थिंक ये पूरा कटरा सिटी है नीचे, तो यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है, बहुत ही ऑसम लग रहा है यार। बाकी ये सीढ़ियों वाला रास्ता तो गाइस अब गलत ही चूज कर लिया इसको, तो यार बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है इसका, तो पसीना आ रहा था पूरे के। और अपने भाई साहब यहाँ पे थक चुके हैं, यहाँ पे थक हार के पूरे, और इन्होंने दे दिया है जवाब कि भाई नहीं, लेकिन फिर भी ये माता के भगत हैं तो ये चलेंगे। ले आजा भाई, ले आया था भाई, बहुत रहा है। तो भाई मैं ना इससे पहले आया था, तो ब्लॉग बना रहा था यार भाइयों के लिए, ब्लॉग बनाना भी तो जरूरी है। एक वो अंदर उसमें भोले बाबा की मूर्ति थी, तो भोले बाबा की मूर्ति का शॉट ले रहा था मैं, मेरे से पहले इसके गोटो ने जवाब दे दिया। तो भाई मैं चॉकलेट खा रहा था एक्चुअल में, वो मुझे दिख गई, तो फिर मैंने चॉकलेट खाई नहीं, ले पकड़े बार। तो गाइस आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, मैंने आज मैं खुद से एक चैलेंज लगा रहा हूँ कि मैं पूरी सीढ़ी भाग के चढ़ूँगा, तो देखते हैं अपन चैलेंज को पूरा कर पाते हैं या नहीं। दिल की धड़कन भर। तो गाइस चैलेंज तो पूरा कर लिया, लेकिन हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है अभी, चैलेंज तो पूरा ही है भाई। और यार अभी तो हमने सोचा कि ये सीढ़ियाँ डायरेक्ट मंदिर के पास जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला रास्ता आएगा आगे, उस रास्ते से वापस फिर से जाना पड़ेगा। तो गाइस कुछ यात्रा में मार्ग के दौरान इस तरह की दुकानें वगैरह, छोटे छोटे मार्केट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यात्रीगण खाना वाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और तो इधर हम भी रहना माता की, मतलब चरण पादुका जो थी वो यहाँ पादुका वगैरह बनाई हुई है, अभी अंदर जाके देखते हैं इसमें और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस चरण पादुका वाला जो मैंने बताया था, उसके अंदर जो चीज़ देखी ना यार, भाई साहब देख के ऐसे जान में जाना आ गई यार, मतलब उनके अंदर गाइस कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं था, इसलिए मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मतलब उसमें माता की एक बड़ी सी फ़ोटो बनी हुई थी, इतनी सुंदर थी यार वो, मैं वो तो बहुत ही प्यारी फ़ोटो थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उनसे रियल में कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, रियल में उनसे बातें कर रहा हूँ। ये नहीं गया क्योंकि भाई साहब थक्के चूर चूर हो चुके हैं।
तो इसने ये लाभ नहीं लिया, अपन ने लिया। कोई बात नहीं, फिर भी माता आशीर्वाद तो सबको देती है। तो यहाँ पे अपने को एक छोटी सी बुढ़िया मिली है, यहाँ पे बैठी है, और यहाँ पे जो भी आते वगैरह जा रहे हैं उनसे मतलब इसको कुछ कोई 5 रुपये दे रहा, कोई 10 रुपये दे। बेटा स्कूल नहीं जाते? अरे शर्मा जी, स्कूल नहीं जाती हो तुम? यार थोड़ा शर्मा रही है। कोई ये लो, मैं आपके पैसे यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं गाइस, ये शर्मा रही है यार। तो यार ये भी देखो, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे मतलब मांग मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं यार। ये स्कूल वगैरह नहीं जाते, इनकी भी लाइफ होती है यार। कभी कभी ऐसे सोचते हैं तो यार, ऐसे अपन सोचते हैं कि यार अपन तो यार अपनी लाइफ तो बहुत अच्छी, और उससे फिर भी जो तो इंसान के पास जो कुछ होना उससे सेटिस्फाई होना चाहिए फुल। इनको भी देखो यार, इनकी भी लाइफ है बेचारे, कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं ये लोग। पसीना आ रखा है यार। यहाँ पे मेरा एक क्यूट सा प्यारा सा फ्रेंड मिला है। आपका नाम क्या है? हेलो करो, हेलो हेलो कर दे, हाय कर दे, बोल दे। देखो ना यार ये कितना क्यूट है। हेलो करो, हेलो बोलो, हाय हाय करो, हाय करो, और ये मत बोल दे, ये मत बोल दे। नहीं बोलोगे क्या? हाय इसको बोलो, हाय। कहाँ से हो भैया? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, हम जो पूछ रहे यार बहुत ही मतलब ठीक है यार, ये बहुत ज़्यादा तड़ाई है, लेकिन ठीक है। नवस नाम लेते चलो, तसल्ली से नाम लेते चलो, आराम से तसल्ली से तब जाके अपन ये लगा लो। 13 साल हो गए, 13 साल से रेगुलर में आ रहा हूँ। हर साल आ रहे हो आप? अच्छा, मैंने केदारनाथ किया, केदारनाथ भी इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, इतना ही है, बहुत ज़्यादा है। तो केदारनाथ की भी देखते हैं बाबा के बोले। केदारनाथ अभी तो बंद है, मंदिर अभी खुलेगा शायद 1 तारीख से, खुल रहा है बाहर वालों के लिए, नहीं 1 तारीख से लोकल के लिए खुल रहा है, 10 को बाहर वालों के लिए खुल रहा है। ओके हाँ, फिर देखते हैं बाबा की कितने रुपये का जरूर जाएंगे। तो भाई आ रहा है नीचे से पूरा। बाकी यार आप ये रास्ता दे, अब आप खुद देख लो यार गाय जी, ठीक है? कितनी कितनी डीप है यार, आप खुद देख लो, मतलब पूरी खड़ी चढ़ाई है, एकदम पूरी कढ़ाई चढ़ाई, और ये इधर है वादियाँ। तो जय माता दी नाम लेते हुए अपन आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। बाकी अभी मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर हो रहे हैं यार, मंदिर में जाते हुए 354 रुपये, आते हुए 235 के करीब। कितने किलोमीटर लेके जाते? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अर्धकुमारी से 6 किलोमीटर है। पहले टिकट कटवा। एक मंदिर और भी तो आता है बीच में, वो कौन सा है? ये तो भैरव बाबा, भैरव ट्रोली में गए हैं हम, 100 रुपये आने जाने के, 100 रुपये आने जाने के, हाँ उसमें गए हैं हम, वरना इतने हम आ ही नहीं सकते तब तक। बता बहुत चढ़ाई है। तो गाइज जो भी ऊपर से आ रहा है वो सारे बोल रहे हैं भाई थक गए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल चढ़ाई होती है ना उसमें आदमी थकता नहीं है, लेकिन यार ये इस तरह की चढ़ाई है कि यार हर कोई थक जाएगा गाइज। फिर भी यार क्या करें, देवी माँ के पास तो जाना ही है और आपके लिए वीडियो भी बनाना ही है। बस आप यार वीडियो को प्यार देना, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो पूरा देखना, और लाइक करना यार, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मुझे बताना वीडियो में अगर कोई कमी रही हो तो गाइज मेरी तरफ से, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा यार आपके लिए। Just to
वाले हैं, शॉर्टकट मारे, कितनी सीढ़ियाँ ली, लेकिन अभी गाइस मंदिर है 8 किलोमीटर यहाँ से, हम आए ओनली 4 किलोमीटर। और यार पूरी एनर्जी, हमने तो सोचा था कि यार हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, अभी मन तो कर रहा है खच्चर कर लें यहाँ से, लेकिन यार अभी ट्रेक करके जाएंगे यार, इतना सा तो ट्रेक हो जाए आराम से। बाकी यार चढ़ाई थोड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे स्टीप चढ़ाई है और तो कुछ नहीं, अच्छा है एकदम। पूरे इस तरह का रास्ता बना हुआ है, पूरे ट्रैक पे इस तरह का रास्ता बना हुआ है। आओ यार यहाँ पे माता का दर्शन करो, आप भी आओ, अपने फैमिली वालों को भी लाओ। बाकी अभी अपन तो चल ही रहे हैं मंदिर में, यहाँ से 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर अकबाग आए जाते हैं यहाँ से। ये वाला व्यू देखो यार, कितना प्यारा व्यू है ये, इधर कटरा सिटी है पूरी जो उधर दिख रही है, और मेरे पीछे यहाँ पे ये वाला जो माउंटेन है पीछे गाइस, मुझे पता नहीं कैमरा कैसा जस्टिस कर पा रहा है, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये पेड़ देख रहे हो आप, किस पेड़ का पेड़ है यार, इस पेड़ के पत्ते नहीं है, मतलब अपने जो धूप नहीं होती है, धूप के जैसे पत्ते हैं इस पेड़ के। और यार व्यू देखो एक बार, ये व्यू इन्जॉय करो वादियों में, इतना तो इस व्यू के लिए यार इतनी ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी, इतना तो मजा। देख पा रहे हो गाइस, गाइस आप देख पा रहे हो इसको, भाग मिल्खा भाग। तो गाइस आपको ऊपर एक मतलब वो दिख पा रहा है ऊपर व्हाइट कलर का, वो अर्धकुमारी जी का मंदिर है। अर्धकुमारी जी भी एक टाइप की मतलब कि भगवान में देवी का रूप ही है वो, वहाँ पे उनका मंदिर है। तो अभी अपन चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन। दो आप वीडियो को पूरा देखना और यार सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गाइज अर्धकुंवारी जी का मंदिर, अर्धकुंवारी जी माता, जब भैरू बाबा जी आए थे वैष्णो माता के पास, तो वैष्णो माता जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा है जनरल गुफा है, तो वैष्णो माता यहाँ पे मतलब नोरी नहीं थी, तो वहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे इनको अर्धकुंवारी जी के नाम से पूजा जाता है गाइस। बाकी मंदिर के अंदर अपन चलते हैं, अगर वीडियोग्राफी अलाउ होगी तो मैं आपको अंदर से मंदिर भी दिखा दूंगा एक बार। यहाँ पे अंदर जाना तो अभी अलाउ नहीं है, कोविड के कारण ये बंद है। बाकी मैं एक बार आपको बाहर से व्यू दिखा देता हूँ, देख लो काफ़ी सारा रश है यहाँ पे, बहुत से लोग आए हैं माता जी के दर्शन के लिए। और मतलब इधर पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में गाई जी अर्धकुंवारी जी का मंदिर है। बाकी अभी कोविड के कारण बंद है, तो अपन अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस आपको वो जो ब्लू कलर की वो जो मतलब एक लाइन सी दिख रही होगी ना, मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, वो तो ब्लू तो उधर कहीं से होके हम आए हैं। और इधर पीछे पूरा कटरा दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से पूरा कटरा दिख रहा है, ये पूरा कटरा शहर है। बाकी यार यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, शाम के टाइम में मतलब पूरी वैली मतलब धुंधली सी दिख रही है, मतलब और सी आने लगी है। और पूरा कटरा आप देख पा रहे हो, पूरा कटरा वैली के बीच में बसा हुआ है, बहुत ही मतलब प्यारा शहर है, सुंदर सा शहर है यार ये। बाकी अभी मंदिर पहुंचे नहीं है, मंदिर है अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और बता रहे हैं लोग बाग, तो थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, उसके बाद में आके की जर्नी कम्प्लीट करेंगे अपन अपनी। बाकी हर वैली फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पे यात्रियों के लिए, वो जो अर्धनारी का जो मंदिर था नीचे, वहाँ पे धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, अगर यात्रियों को रुकना चाहिए तो बिल्कुल फ्री है, अगर वहाँ यात्री रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। और
ट्रैक में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा, मतलब हल्का सा, मतलब यार थकान सी फील हो रही है, बाकी सब तो सेट है साहब, काम चलते हैं ऊपर ऊपर चल के फिर आगे की जर्नी अपन कंप्लीट करते हैं आगे के रास्ते से। तो गाइज अपने को रास्ते में जो सीढ़ियाँ मिली थी वो सीढ़ियाँ, मतलब यहाँ पे अलग अलग जगह पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे फिर से सीढ़ियाँ आएगी जिनकी जो यहाँ पे 158 है शायद किसी ने एक वो मिटा रखा है 158 सीढ़ियाँ इधर से, ये मतलब ये शॉर्टकट है, ऐसी सीढ़ियाँ जगह जगह बनी हुई है। तो और इस पे लिखा हुआ है कि वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है कि वह इन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करें और जो हार्ट के रोग पेशेंट हैं वो इनका प्रयोग नहीं करें क्योंकि बहुत ही स्टीप है, बहुत जोर आता है चढ़ने में गाइज, बहुत जोर आता है। तो गाइज यार थक गए हैं यार बुरी तरह, क्या हाल है भाई, पसीने से तर तर हो गया पूरा। फिर भी यार हम जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सोच रहे हैं यार अंधेरा होने से पहले है ना हम यार वैष्णो देवी मंदिर जाके और वापस हम रवाना हो जाएं क्योंकि हमारे हमें जाना है ले, तो हम लेक में से यार बीच में से आए थे इधर, तो यार हमें क्योंकि हमारे पास जो RT-PCR की रिपोर्ट है ना वो 72 आवर्स तक ही वैलिड है, तो आगे आगे जो बॉर्डर आएगा ना वहाँ पे यार चेक होगा, तो हमें यार कल कैसे भी करके है ना वो बॉर्डर क्रॉस करना है कल की डेट में, कल 4 बजे तक हमें वो बॉर्डर क्रॉस करना है, इसलिए यार हमें अभी देख लो गाइस एनर्जी और भाइयों के लिए वीडियो। अभी मैं ना अभी हम 12-13 किलोमीटर चढ़ के और वापस उतरेंगे इस पहाड़ पे से माता के दर्शन करके, 15 किलोमीटर आई थिंक, ये लोग बाग 12 बता रहे हैं लेकिन ये 15 किलोमीटर है, ये ज़्यादा ही है। बाकी यार अभी चल रहे हैं यार, आपको मैं रात को सिनेमेटिक तरीके से या अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा किस टाइप में मंदिर है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन यार इतना ज़्यादा थकान केदारनाथ किया था उसमें भी नहीं हुई थी, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में किया था मैंने ट्रैक, वहाँ भी नहीं किया था मैंने, खीर गंगा वाला ट्रैक भी मेरा किया हुआ है गाइज, बट यार ये वाला क्या है बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये वाला पेड़ देखो कितना डरावना सा लग रहा है वो, और गाइज ये देख रहे हो कितना लंबा, ये वाला दिखाता हूँ यार आपको, ये सही दिखेगा, ये देखो यहाँ से ये पेड़ स्टार्ट है और देखो कितना लंबा है, इसका स्टीम देखो कितना लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है गाइज ये पेड़। बाकी यार धीरे धीरे जय माता दी जय माता दी जय माता दी। तो ये गाइज हमारा नया दोस्त आप देख पा रहे हो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, हेलो 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 हेलो, देख पा रहे हो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है यार ये, हाय व्हाट्स योर नेम, क्या हुआ नाम तो बता दे भाई, नहीं बताएगा तू, नहीं थकता क्या यार ऊपर माता के दरबार में जाता है और आता है तब, कोई ना अभी इसको बाय बाय बोलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं गाइज, करते हुए आगे चलते हैं माता के दरबार की तरफ। बस गई जय माता दी जय माता दी। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके हैं मंदिर के पास, मैं आपको दिखाता हूँ। पहुंच चुके हैं, यहाँ से मंदिर दिख रहा है,
प्रसाद वगैरह यहाँ से लेंगे और चलते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ से मंदिर का पूरा व्यू दिख रहा है। तो भाई आप ये पीछे जो देख रहे हो पीछे जो लाइट वगैरह दिखे वो वेस्ट माता का मंदिर है और यहाँ पे स्टेचू लगा हुआ है यार एक ऊपर बहुत ही बड़ा है। हाथी को अपने गोल्डन टाइप का कुछ रखा हुआ है। अभी चलते हैं, हम आपको मंदिर पूरा अंदर से दिखा दूँगा। अभी सकते हैं यार, मेरा मन तो था कि मैं आपको ना पूरा मंदिर वगैरह दिखाऊंगा लेकिन अभी अलाउ ही नहीं कर रहे तो यार अभी क्या कर सकते हैं अपन। तो ये मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख के और फिर अंदर जाते हैं और फिर वापसी में आपसे मिलूंगा मैं। तो यहाँ पे अपने को अपने भाई लोग मिल गए जयपुर से, ये सारे ये भी वैष्णो माता का दर्शन कर रहे हैं। तो नाम विक्की जाडम का, इनका नाम विक्की, आपका ये भाई लोग अपने सारे जयपुर से ही हैं। तो अभी यार फ़ोन वगैरह मोबाइल वगैरह सब यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, फिर जमा करवा के आते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करके, बाद में आपसे मिलते हैं वापस। इनका नाम राहुल है। ये सभी भाई अपने जयपुर से ही है। तो गाइस आई एम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को यार दिल से सॉरी यार, मैं तुम्हें अंदर से मंदिर नहीं दिखा पाया। क्या करते यार, यहाँ का जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो तो हमको करने पड़ेंगे ना गाइस। बस एक बात आपको मैं दिल से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आना यार, मतलब कि जो मंदिर है ना यार, मन में मतलब ऐसे पूरी श्रद्धा और लगने लगे आना, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी यार यहाँ से जाऊँगा मैं होटल और होटल जाके सोना गाइस, थक चुका हूँ और टाइम हो चुका है, अभी रात के 10:30 बज चुके हैं। अभी यहाँ अपने को जाना है होटल, तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे आगे रास्ते में। ये अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, जितना रास्ता आपने चढ़ किया है तो उतना रास्ता अभी भी है। अभी तो गाइस अभी फाइनली टाइम हो चुका है 11:12 बज चुके हैं और मैं अभी वापस आ गया हूँ अर्धनारी जहाँ पे मैंने आपको जाते टाइम बताया था कि अर्धनारी यहाँ पे, और इनके बारे में बताया भी था कि भैरव बाबा और वैष्णो देवी जब यहाँ पे मिले थे तो उन्होंने यहाँ तपस्या वगैरह कुछ की थी, उससे के बाद यहाँ का नाम अर्धनारी रखा गया है। और गाइस यार सच में बहुत ज़्यादा थक चुका है आज तो यार, सेम डे में यार 15 किलोमीटर चढ़ना, 15 क्या यार, ये 15 से ज़्यादा ही है। लेकिन भाई साहब मंदिर के पास जाने के बाद यार जो आत्मा को मतलब जो शांति मिलती है ना, लेकिन आपको एकदम शुद्ध मन से जाना होगा, एकदम एक नंबर चीज़ है यार। आओ और अपनी आप भी आओ, अपने परिवार वालों को भी लाओ यार, एक बार एक्सपीरियंस तो ज़रूर करना लाइफ में। तो यार अभी मैं थका हुआ हूँ, बोले अपन चलते हैं रूम पे और मैं रूम पे जाके आपसे भी बात करूँगा तब तक के लिए। हाँ तो भाइयों यार मैं अभी आ चुका हूँ रूम पे और यार
सच बताऊँ तो यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है थक के, और अभी टाइम हो रखा है 1:30 बज रहे हैं रात को। सो मैंने वहाँ पे सोचा था कि यार रूम पे जाके आपके लिए वीडियो वगैरह एडिट करूँगा, लेकिन यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो फिर कल ही हो पाएगा। बाकी यार एक बार मैं फिर से आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं आपको अंदर से मंदिर वगैरह नहीं दिखा पाया, क्योंकि यार कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लीसियन अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। और भाई पुलिस वाले जितने अपने राजस्थान में पुलिस वाले सारे हैं ना, उतने वैष्णो देवी में, रियल बात है, आके चेक कर लेना यहाँ पे। मतलब आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, इतनी ज़्यादा चेकिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा चेकिंग, हर चीज़ चेक होती है भाई। तो यार अभी मैं सोता हूँ और अभी मैं सोऊंगा यार, और फिर देखते हैं, मॉर्निंग में मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट उठ के। आप सभी को भी गुड नाइट।